तो मैंने भी काफी रिव्यू लिया, मुझे मैग्नाइट लेना था, अंडर बजट थी, 8 लाख 8.5 लाख के अंदर काफी सारे फीचर दे रही थी जो इसके अंदर नहीं थे, 360 कैमरा वगैरह, मगर फिर भी मैंने इस गाड़ी को इसलिए लिया और इस बजट में जो इसके फीचर्स है, गाड़ी की लुकिंग जो है वो ब्रीजा नहीं दे पा रही थी, वो सिर्फ एक एवरेज और एक इंजन। मगर इस गाड़ी को लेने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ब्रीजा लेनी चाहिए थी। आई थिंक ब्रीजा वालों को मुझे देख के जरूर लगता होगा कि यार किया सेरेमिक कोटिंग करा रखी, पीपीएफ नहीं करवाया, पीपीएफ करीबन 50,000 का पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इससे मैं तो कभी कभी कुछ डैमेज होता भी है तो मैं दोबारा रीपेंट ही करा लूं। मैं जब इसको ओवरटेकिंग के अंदर काम में लेता हूं तब ये थोड़ा जरूर अंडर पावर दिखती है कि आप ओवरटेकिंग करते हो तो जैसे फिफ्थ से आपको फोर गियर पे थर्ड गियर पे लाना पड़ेगा अगर एक बार की स्पीड डाउन होती है। एक्सेसरीज के अंदर जैसे नॉर्मली कंपनी जो देती है वो आपके सामने ये क्रोम वगैरह नहीं देती है, जो मैंने ये लगवाया है ये बंपर, ये वाला प्रोटेक्टर है ये क्रोम का, इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो अपने मैट लगवाया हुआ है 7D मैट और फ्लोरिंग करवा रखी है ये भी मैंने लगा रखा है, पीछे की जो बैक लाइट है ये लाइट है, ये लाइट है, तो ये लाइट मैंने इसके अंदर लगवाई अलग। टिंग में इसके अंदर बहुत कंफर्ट है, मैं अभी तक मैंने सीट कवर भी नहीं लगाया इसमें, मैं इतने लंबे लंबे टूर करके आ चुका हूँ अभी कि मुझे 1% थकान नहीं होती, गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। इस बजट में जो गाड़ी आ रही है अभी मार्केट में उसके अंदर जैसे एडजस्टेबल सीट जो होती है सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे वाला जो ऑप्शन सिर्फ इसमें भी आ रहा है, पीछे भी इसमें एसी आ गया है इस बजट में, शायद अभी तक किसी ऑटोमेटिक है इसका एसी, ठीक है, जिससे एवरेज का भी इंक्रीज होता है कि भाई आप इसको 25 पे कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक एनवायरमेंट उतना करेगा जो 25 आपको चाहिए। प्लस रोड पे जैसे आपको ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग बहुत अल्टीमेट है इसकी, जो इसकी लाइटिंग है वो थोड़ी शायद हैलोजिन में कह सकते हैं हल्की सी डाउन लगती है क्योंकि हैलोजिन के बल्ब की वजह से। वेलकम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में इंट्रोडक्शन, फिर बात करते हैं किया के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम कुमार है, सर ने बताया जैसे ये किया सोनेट है, मैंने अभी ली है इसको, 3 महीने हुए मुझे इसको लिए अभी। अब बात करते हैं पहले तो इसका वेटिंग पीरियड, आपने जब बुक करवाई थी तो कितना वेटिंग पीरियड रहा आपके? मुझे इसके अंदर 2 महीने का वेटिंग पीरियड मिला था, 2 महीने का, क्योंकि मैंने दिवाली के आसपास ली थी तो इसलिए 2 महीने का वेटिंग पीरियड मुझे दिया गया था। वो गाड़ी बाकी इस किया की सर्विस अच्छी है, उन्होंने मुझे 15-20 दिन बाद ही कॉल करके बोल देते कि आप ले सकते हैं, बट मेरे को दिवाली पे ही लेना था इसलिए मैंने 2 महीने वेट करा। अब बात करते हैं इसके, आपने 2 महीने वेटिंग रहा, इसका बुकिंग अमाउंट कुछ क्या रहेगा? मैंने 25,000 रुपीज इसकी अमाउंट दिया था इसका। ठीक है, 25,000, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट, कितने की पड़ी आपको कंप्लीट? ये मुझे पड़ी है एक्सेसरीज वगैरह लगा के अगर देखे तो 11.5 की, और वैसे ये मुझे अपने 10,94 की पड़ी है। 10,94 मतलब 11 लाख के आसपास की आपको, और बाकी आपने उसमें 50,000 के करीब एक्सेसरीज फिट करवाई। इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे आप? इससे पहले मैं यूज कर रहा था निसान माइक्रा। निसान माइक्रा, ठीक है, तो निसान माइक्रा यूज कर रहे थे आप और अभी यूज कर रहे हैं, कितना चेंजेस लगता है आपको? बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। वो भी 5 सीटर थी, ये भी 5 सीटर है, ठीक है। कंफर्ट को लेके कैसा रहता है आपका कंफर्ट? कंफर्ट में आप सोच नहीं सकते, इतनी अच्छी गाड़ी है ये कि मेरे को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, 3 मंथ हो गए, कॉम्प्लीमेंट्स इतने मिल रहे हैं कि इस गाड़ी पे दिल आ रखा है। अच्छा, ये चीज सोच के कि यार इसने मेरे को कोई भी माइनस पॉइंट अभी तक इसका मुझे दिखा नहीं है, सिवाय एक चीज के कि हाँ मैं जब इसको ओवरटेकिंग के अंदर काम में लेता हूँ तब ये थोड़ा जरूर अंडर पावर दिखती है, उसके अलावा इसमें एक भी माइनस पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस बजट में 1200 cc का इंजन मिला है तो इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ेगा, हल्का पड़ेगा। ठीक है, आपने ब्लैक कलर में ली हुई है, अब तो बात करते हैं इसके एक्सेसरीज फिटिंग की, क्या क्या इसमें काम करवाया अपने एक्सेसरीज के लिए? एक्सेसरीज के अंदर जैसे नॉर्मली कंपनी जो देती है वो आपके सामने ये क्रोम वगैरह नहीं देती है, जो मैंने ये लगवाया है ये बंपर, ये वाला प्रोटेक्टर है ये क्रोम का है, क्रोम लाइन, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो अपने मैट लगवाया हुआ है, अच्छा 7D मैट रहता है, 7D मैट और फ्लोरिंग करवा रखी है ये भी मैंने लगा रखा है, इससे भी गाड़ी का लुक जो है नाइट में काफी इनहेंस होता है, ठीक है। उसके अलावा पीछे की जो बैक लाइट है इस पे मैंने सेरम की भी करवा रखा है, ये लाइट है, ये लाइट है, तो ये लाइट मैंने इसके अंदर लगवाई अलग से, तो ये लाइट पूरी जलती है, ये वाली पूरी जलती है, ठीक है। एक बार आप ऑन करेंगे इसको, क्योंकि ये काफी डिमांड में इस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम गाड़ी में होता है कि पूरी जल पाती है। राइट, हाँ ठीक है, राइट नाइट में तो अलग ही लुक आता होगा, अच्छा ठीक है। अब ये तो हो गया आपके एक्सेसरीज, तो इन सब एक्सेसरीज में आपका कितना कॉस्ट रहा होगा? एक्सेसरीज का मुझे मिला के करीबन 50,000 रुपए के आसपास का इसके अंदर कॉस्ट आई आपको, कॉस्टिंग आई, ठीक है। तो ये आपने सब बाहर से करवाई है, कंपनी फिटेड नहीं है? कंपनी फिटेड इसमें मैंने ये जो कंपनी की चीजें हैं जैसे कि इसमें क्रोम के जो भी काम है इसका जो भी सब कंपनी से है, अच्छा, और बाकी जो इसके अलावा लाइटिंग जो मैंने करा रखी है, जो डोर स्टेप की लाइट है, ये सब मैंने बाहर से करवाई। अच्छा, एक चीज और रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि वारंटी रहती है इनकी 3 साल की, 5 साल की करीब कंप्लीट, तो जैसे आपने कुछ वायरिंग में चेंजेस करवाए? वायरिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सब अगर आप चेंजेस करवाते हैं तो ये भी आपको अराउंड 50,000 की कॉस्ट आती है, और काफी अच्छे चेंजेस हैं जो आप करवा सकते हैं, गाड़ी का लुक्स काफी हो जाता है इससे आपका। अब बैठते हैं हम लोग अंदर और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर की बात करो तो कंप्लीट ब्लैक है गाड़ी, तो बड़ा
शानदार लुक्स है इसका, काफी प्रीमियम लुक्स लग रहा है आपको। कंप्लीट ब्लैक है, कोई भी इन्होंने ड्यूल टोन का रखा नहीं है, सिर्फ जो सिल्वर की जो कुछ कोटिंग दिख रही है कुछ कुछ जगह पे आपको, वो सब दिख जाती है आपको। तो ये कंप्लीट जो इसका डिस्प्ले होता है, हम लोग म्यूजिक सिस्टम का डिस्प्ले देख लेते हैं, ये कंप्लीट टच स्क्रीन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका परफॉर्मेंस कैसा लगता है म्यूजिक सिस्टम का? इसका अदर जैसे अपन बात करते हैं ब्रिजा और जो सुजुकी के जो इंस्ट्रूमेंट इसका जो है, ये उसके कंपैरिजन पर अगर इसको बात करें तो ये बहुत ही स्मूथ टच है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है, ऐसा लगता है नहीं लोकल है। ये कंपनी फिटेड है, टेम्पर्ड ये लगवा रखा है ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए। नहीं नहीं, पन्नी भी नहीं उतरी है, वो रहता है। देखो आपकी गाड़ी नहीं है तो आप रखना भी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि गाड़ी है आपकी, क्योंकि हम लोग जो लेते हैं अपना वो तो है नहीं कि फैमिली बजट रहता है हमारा हमेशा, तो आपको उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। देखते हैं सीटिंग्स का, सीटिंग कंफर्ट कैसा है इसकी अगर बात करें। सीटिंग में इसके अंदर बहुत कंफर्ट है, ठीक है, बहुत कंफर्ट है। अभी तक मैंने सीट कवर भी नहीं लगाए। अच्छा, जो कंपनी से नॉर्मल आता है वही सब कुछ? अच्छा अच्छा, इस पे कवर्स नहीं लगवाए? कवर्स नहीं लगवाए हुए। ये भी काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है आपके। प्रॉपर कुशनिंग बहुत अच्छी है इसकी। मैं इतने लंबे लंबे टूर करके आ चुका हूँ अभी, ठीक है, कि मुझे 1% थकान नहीं होती, गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, वो रहता है कि कंफर्ट ही चाहिए आपको अगर गाड़ी लॉन्ग रनिंग करनी है आपको। इस बजट में जो गाड़ी आ रही है अभी मार्केट में, उसके अंदर जैसे एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो सीट जो होती है, सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे वाला जो ऑप्शन है सिर्फ इसमें भी आ रहा है। अच्छा, इसमें ऑप्शन आगे ऊपर नीचे वाला, ये काफी अच्छा ऑप्शन आपका। अच्छा, आप देख लेते हैं हम लोग स्पेस के बारे में। अगर मैं हेड स्पेस की बात करूँ, हेड रूम अगर देखें हम लोग, तो काफी अच्छा दिया हुआ है। अभी भी अगर आपकी हाइट आई थिंक 5-10 के आसपास होगी, 5-8 के आसपास, 5-8, हाँ ठीक है। और जबकि मैंने इसको टॉप पे कर रखा है ऊपर। अच्छा, आप और नीचे कर सकते हैं किसी और को अगर रन करना हो तो, सही है। तो स्पेस काफी अच्छा है आपको, ठीक है। कंट्रोल्स की बात करें तो स्टेयरिंग पे भी आपके सारे कंट्रोल्स दिए हैं, सारे कंट्रोल है। स्टेयरिंग बहुत अच्छा है इसका, हाईवे पे रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है इसकी। क्योंकि मेन आता है कई बार कंट्रोल्स करा जाता है इशू आपको, कि जब ओवरटेक करो आप तो कंट्रोल्स चाहिए होता है आपको प्रॉपर। हाँ, तो आपको रन करने एक सेफ्टी फीचर्स भी है इस गाड़ी के हिसाब से। ये गाड़ी अंडर पावर है थोड़ी सी, कि आप ओवरटेकिंग करते हो तो जैसे फिफ्थ से आपको फोर गियर पे थर्ड गियर पे लाना पड़ेगा अगर एक बार की स्पीड डाउन होती है। बट ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि आप ओवरटेकिंग करने के लिए टाइम लोगे, करेक्ट, उससे ताकि सेफ रहता है आपको, रिस्क खत्म हो जाता है आपको, क्योंकि आप स्पीड में करोगे कई बार कंट्रोल्स अगर आपके छूट जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ में। और मुझे इतना रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस हिसाब से मेरा जो था उस हिसाब से ये गाड़ी मेरे एकदम बेस्ट है। हाँ, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और आई थिंक आपको स्पीड तो हमेशा कंट्रोल्स में रहनी चाहिए, आपकी गाड़ी कंट्रोल में होनी चाहिए हमेशा, आप गाड़ी कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। मेरा 100 में से 80% सिटी में ड्राइव करता हूँ, उस हिसाब से गाड़ी ठीक है, बेस्ट है। गलियों में कौन भगा सकता है, कोई नहीं भगा। सही बात है। तो बात करते हैं आप जैसे रन करते हैं इसको, तो अब आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बैक स्पेस के बारे में, कि बैक स्पेस कैसा है इसका वो देख लेते हैं हम एक बार। तो एक बार आप थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं हम लोग, बैक में इसका काफी अच्छा स्पेस दिख रहा है। एक बार आप बैठेंगे तो हमको थोड़ा और आइडिया होगा अच्छे से व्यूअर्स को, तो ये भी काफी अच्छा दिया हुआ, ठीक है। हाँ, बैक में भी वही है, हाइट का अगर हम बात करें तो आपका हेडरूम में अगर स्पेस की बात करें तो काफी अच्छा स्पेस बचा हुआ है आपका, और लेग रूम भी काफी अच्छा है, लेग में भी काफी सारा स्पेस बचा हुआ है आपका अगर आप देख सकते हैं तो इजीली। तो वही है कि स्पेस ही मेन इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि पीछे कई बार लोग बैठते हैं तो वो लोग की शिकायत रहती है कि नहीं मेरी फैमिली बैठती है, बहुत कंफर्ट मिलता है, कंफर्टेबल हो भी जाते हैं वो लोग, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा तो कैसे हो जाते हैं, मैं ड्राइव करता रहता, वो हमेशा रहता है। ये घर पीछे भी इसमें एसी आ गया, एसी वेंट भी पीछे भी दिया, इस बजट में शायद अभी तक किसी गाड़ी में। एसी क्वालिटी कैसी है इसकी? बहुत अल्टीमेट ऑटोमेटिक है इसका एसी, ठीक है, जिससे एवरेज का भी इंक्रीज होता है, कि भाई आप इसको 25 पे कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट उतना करेगा जो 25 आपको चाहिए, ज्यादा नहीं करेगा। जो नॉर्मली अपने एसी को 1 पे 2 पे रखते हैं तो चलता रहेगा, तो एवरेज कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसमें एवरेज का एक बेनिफिट पॉइंट ये भी है, ठीक है। तो ये बात करी हमने एसी के, कूलिंग काफी अच्छी है इसकी। अब बात कर रहे थे इसका, आपको एवरेज क्या दे रही है ये? एवरेज मुझे सिटी में अभी ये दे रही है 16-16.5 का। 16 दे रही है सिटी में, ठीक है। और हाईवे पे देखो, मैंने इसको एसी में चलाया है और ये 18 में देती है। अब शायद सर्दियां हैं, अगर एसी के साथ नहीं चलाऊं तो मुझे 20 के आसपास ही देगी। करेक्ट है, क्योंकि और अभी तो सर्विसेज जैसे से होगी वैसे वैसे बढ़ेगा भी। सेकंड सर्विस भी नहीं हुई है आपकी, क्योंकि वो इंपैक्ट रहता है हमेशा, सर्विस बढ़ती जाएगी इसकी, होती जाएगी वैसे वैसे आपका एवरेज भी इंक्रीज होता जाएगा इसका। तो ठीक है, स्पेस काफी अच्छा है। अब बात कर रहे थे हम लोग, आपको आपने इसको रन किया, आपने हाईवे पे भी इसको रन किया हुआ है, तो हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? बहुत अल्टीमेट, ठीक है। मतलब अगर एक बार ये 100 की स्पीड पे चल रही है ना, तो ओवरटेकिंग वगैरह जो मैं आपको माइनस पॉइंट बता रहा था, मगर अगर आपके पास टेक्निक है ड्राइविंग को लेकर, तो आप इस गाड़ी के साथ बहुत अच्छा ट्रैवलिंग मतलब एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको देख के कोई नहीं बोल सकता ये अंडर पावर है, बस ड्राइवर को ही पता चलेगा। एक उसका प्लस पॉइंट ये भी है, प्लस पॉइंट मतलब सेफ्टी, प्लस रोड पे जैसे आपको ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग बहुत अल्टीमेट है इसकी। जो इसकी लाइटिंग है वो थोड़ी शायद हैलोजिन में कह सकते हैं हल्की सी डाउन लगती है, क्योंकि हैलोजिन के बल्ब की वजह से। मैंने तो आप उसको बाद में चेंज करवा, एलईडी कर सकते हो आप, आपने करवा दिया उसको एलईडी? मैंने अभी कराया नहीं एलईडी, शायद मैंने पैसे दे रखे हैं अभी। अच्छा, लाइट आनी हो जाएगी तो जब भी आएगी तब हो जाएगी। तो इसकी जो बल्ब है, वो जो एलईडी बल्ब है, वो जब मैं लगवाऊंगा तो मुझे लगता है तब इसकी शायद
जो रोड प्रेजेंस पे लाइट है और अच्छी वो, अच्छी हाँ, वो फर्क पड़ता है क्योंकि रोड प्रेजेंस पे आपको लाइट चाहिए भी अच्छी हाईवे पे तो प्रॉपर। टायर साइज की अगर बात करें तो टायर साइज भी इसके अगर देखोगे आप तो इसकी 215/60 के R16 के टायर्स हैं, जो रिम साइज है वो 16 है इसकी और काफी अच्छा साइज है ये भी आई थिंक, जो आपके रोड पे अच्छी ग्रिप बना के देता है आपको। आप लोग आपको टायर्स प्रोवाइड करते हैं लोग, कंप्लीट अलॉय है ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके, आपने इसको हाईवे पे टॉप स्पीड क्या रन की होगी? 124 कुछ ऐसा इशू की लगाओ नहीं यार, ब्रेकिंग हुआ हो या नहीं, 1% भी ऐसा नहीं लगा, कुछ अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा रहा आपको, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। चलो ये भी काफी अच्छी चीज है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाईवे पे, अगर आप रन कर रहे हो तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, कंट्रोल और स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ज्यादा स्पीड पे कई बार होता है कि थोड़ा भी सब अगर पैचेस आ जाते हैं कोई तो वहाँ पे गाड़ी बबल कर जाती है। नहीं ये नहीं करती है क्योंकि एक्चुअली क्या ये थोड़ा एसयूवी टाइप है ना, तो इसकी व्हील की वजह से और इसकी थोड़ी हाइट के चक्कर में वो गड्ढे वगैरह जो है, अगर उसमें मैं चढ़ा भी देता हूँ तो भी मुझे कभी नहीं पता चलता कि कोई गड्ढा है, क्योंकि पुरानी जैसी मेरी माइक्रा थी वो थोड़ी काफी नीचे थी तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ का भी फील होता था, इसमें अंदर कोई बैठा है उसको फील नहीं होगा। अगर मैं कोई पैनिक ब्रेकिंग भी करता हूँ तो मेरी फैमिली को आज तक फील नहीं हुआ कि मैंने पैनिक करी, मुझे पता लगा है कि हाँ मैंने सडनली एक ब्रेक लगाया, क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग है स्टॉपिंग उससे कभी कोई इंसान अंदर बैठा हो पैनिक नहीं होना चाहिए, ये भी प्लस पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि आपने जब ये परचेज के भी 3 महीने पहले आपने ली है तो उसी वक्त आप और भी गाड़ी आपने सर्च की होंगी काफी मार्केट में, कंपैरिजन भी किया होगा, तो स्पेसिफिक यही लेने का कोई रीजन? ये तो नहीं था मेरे को लेनी, वैसे मैग्नाइट थी, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा सुजुकी में मुझे जाना नहीं था, मगर मैंने कंपैरिजन मैंने भी बहुत करा, सारी जगह रिव्यू लिए, क्योंकि ब्रेजा भी इसी वेरिएंट में आ जाती है, इसमें टॉप मॉडल आता है, सेकंड टॉप जो है इसका VXI या LXI आ सकता था इसमें आराम से। अब वही बात है ना, एक बजट की बात भी थी और इस बजट में जो इसके फीचर्स है, गाड़ी की लुकिंग जो है वो ब्रेजा नहीं दे पा रही थी, करेक्ट है, वो सिर्फ एक एवरेज और एक इंजन, वो मुझे भी लगता है कि कोई एक गाड़ी चला के 5-6 साल बाद तो बोर हो जाएगा। मैं इस गाड़ी को ऐसा है कि मेरी बेचने की तो कभी इच्छा नहीं होगी, मगर इस गाड़ी को लेने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ब्रेजा लेनी चाहिए थी। आई थिंक ब्रेजा वालों को मुझे देख के जरूर लगता होगा कि यार किया लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी काफी इंप्रूव्ड है, ब्रेजा से आप कंपेयर करोगे तो दिखने में मस्कुलर लगती है, दिखने में तो खैर है ही है क्योंकि इसके कहीं भी डाउन नहीं है, अगर आप ब्रेजा से कंपेयर करो इसको या आप इसको वेन्यू से कंपेयर, वेन्यू इवन मेरे को थोड़ी छोटी भी लगती है, सिटिंग का थोड़ा सा रह जाता है, सेफ्टी वाइज काफी अच्छी है वेन्यू हुंडई जो है, तो मेरे को लगा कि किया पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए क्योंकि हुंडई की सर्विस भी काफी अच्छी बताते हैं, मगर मेरे को लगा किया क्योंकि नॉर्मली ब्रांड के हिसाब से भी किया काफी चल रहा है, तो मैंने भी काफी रिव्यू लिया, मुझे मैग्नाइट लेना था, अंडर बजट थी, 8 लाख 8.5 लाख के अंदर काफी सारे फीचर दे रही थी जो इसके अंदर नहीं थे, 360 कैमरा वगैरह, मगर फिर भी मैंने इस गाड़ी को इसलिए लिया क्योंकि ये सच्ची में कहीं आंखों को यही भारी थी, वेन्यू भी काफी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, और वेन्यू में भी पीछे डिग्गी का स्पेस है ना वो इतना नहीं था, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना इसका ज्यादा ऊंचा है, इसके व्हील साइज जो है वो वेन्यू से ज्यादा बड़ी है, करेक्ट है, हाँ काफी ज्यादा चीजें हैं जो उसके कंपेयर करके। वेन्यू में ब्लैक कलर एक बार के लिए मुझे देखने पे, अभी जो नई वाली वेन्यू आ रही है थोड़ा देख सकते हैं पीछे लाइटिंग है, मगर मुझे अभी भी ये लगता है कि मैंने लेके इसको कोई गलती नहीं करी है, वेन्यू वाले भी शायद मेरे को देख के जरूर बोलते होंगे कि यार किया एक बार सोच सकते थे, तो ये अगर देखे तो कलर काफी शानदार है। अच्छा आपने इसमें कुछ चेंजेस करवाया, कोटिंग करवाई है कोई? मैंने इसमें सेरेमिक करवा रखा है, ठीक है सेरेमिक, उसका रीजन ये था जब मैंने गाड़ी ली थी 3 दिन बाद ये ब्लैक है देखो, ओहो तो पत्थर जो है ट्रक की वजह से यहाँ पर इस पे लग गया था, तो इस वजह से मैंने इस पे कोटिंग करवाई है, ठीक है जरूरी भी है, सेरेमिक कोटिंग करा रखी, पीपीएफ नहीं करवाया, पीपीएफ करीबन 50,000-1,000 का पड़ रहा था, तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इस तरह में तो कभी कभी कुछ डैमेज होता भी है तो मैं दोबारा रीपेंट ही करा, कॉस्टिंग निकालू तो करेक्ट। और तो आपका सेरेमिक कितने में हुआ इसका? मैंने ये अपने डिटेलिंग गाइज अपने जयपुर के अंदर ही है, उनका रिव्यू देखकर उनसे करवाया है ये 12,000 के अंदर, 12,000। बाकी अगर मैं कंपैरिजन करूं अदर ब्रांड से तो उन्होंने 15,000-20,000-25,000 तक बताया, बट वो थोड़े नोन थे और काफी अच्छा काम करते हैं और उस हिसाब से मैंने इनसे 12,000 में। कहां पर है ये? ये अपने निर्माण नगर 200 फीट चौराया जो है उसके पास में, ठीक है, तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा और काफी अच्छा दिख भी रहा है, लुक्स काफी अच्छा आ रहा है, मैं दिखाऊं थोड़ा सा पास से आपको तो ये काफी अच्छा लुक्स आ रहे हैं इसके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ब्लैक में कोटिंग के बाद में काफी अच्छा फील आ रहा है, ठीक है। हमने बात की इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो इसके थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपको लगते हैं, क्या क्या पॉजिटिव है इसके? पॉजिटिव एक तो ये कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, मेरे कंपैरिजन के पहले मैं माइक्रा चलाता था, अदर ब्रांड्स की भी देखूं तो मेरे को लगता है कि अदर जो भी इस सेगमेंट के जो भी वेरियंट है सुजुकी में हुंडई में उनके मुकाबले सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इसका है, डिग्गी स्पेस इसका अच्छा है, अंदर का जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है, और एवरेज तो चलो पेट्रोल है मेरी ये तो जिस हिसाब से ये एवरेज दे रही है सभी वेरिएंट्स में 1-2% का ही फर्क होता है, करेक्ट है, उस हिसाब से एवरेज बहुत अच्छा है इसका, तो बाकी एवरेज तो वैसे भी आपके रनिंग का भी स्टाइल होता है उसी पे भी डिपेंड करता है, कुछ आप 1-2 किलोमीटर का तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं आराम से कि चेंजेस आ सकता है उसमें आपका,
ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स का, ठीक है, एसी क्वालिटी अच्छी है, काफी चीजें बढ़िया है इसमें। एसी इसका ऑटोमेटिक है, इसकी जो हेडलैम्प्स है वो ऑटोमेटिक है, जो इस वेरिएंट में कोई कंपनी नहीं देती, ठीक है। इसके जो साइड ग्लास मिरर है ये भी ऑटोमेटिक क्लोज होने का ऑप्शन है, क्योंकि ये ब्रेजा में नहीं देते ऑप्शन लोग, सिर्फ टॉप मॉडल में दिया हुआ ब्रेजा में उन्होंने, ठीक है। इसके नॉर्मल सेगमेंट से इसमें चालू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आपका जो मॉडल है वो कौन सा वाला है? इसमें ये एसटीके प्लस, एसटीके प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग, आपको लगा हो कि या तो इसमें फीचर्स मिसिंग हो आपके अकॉर्डिंग, कोई सा भी फीचर जो मिसिंग हो, आपको लगता है कि यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, ये ठीक करनी चाहिए किया को? इसमें मेरे को अभी सही बताऊं, मुझे 3 महीने हुए, मुझे अभी तक इस पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखा है, ठीक है। ठीक है, एक चीज जरूर है, वो शायद मुझे लगता है कंपनी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जिस बजट की ये गाड़ी है ये अंडर पावर है, कभी कभी कभार मुझे लगता है कोई कंपैरिजन करता है तो एक चीज को लेके, जैसे मैंने वरना से करा, वरना कहा किस रेट की, और इसमें तो अंडर पावर की एक बस मिसिंग पॉइंट है, इसके अलावा और कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं लगी आपको? 1% भी सनरूफ वगैरह भी देती है कंपनी, वो अदर वेरिएंट्स में टर्बो के अंदर देती है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। इसमें सारे फीचर्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें फीचर्स की वजह से, मतलब मुझे इसमें कोई दिक्कत, ये चीज फीचर्स के लेकर तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि माइनस पॉइंट। ड्राइविंग अच्छी है, 4 एयरबैग्स इसके अंदर, सेफ्टी भी काफी अच्छी हो गई आपको, सब कुछ बहुत बेटर है, सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है गाड़ी को लेकर, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल वीडियो जिसपे हमने सर से बात की आज कंप्लीट, कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या कमियां है, क्या खूबियां हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही सर गाड़ी की सर के साथ में, और क्या क्या सर ने इसमें एड ऑन करवाया है, क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया हमारे व्यूअर्स को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।